आज मैं आपको ये बेहतरीन रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, समक के चावल की खीर। ये नवरात्रि स्पेशल खीर है, तो आपने सीखने के लिए क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। एकदम शानदार रेसिपी है। खीर बनाने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है, राइस को भिगाना है और इनका वजन है 60 ग्राम। तो अभी अच्छे से धो के भिगा दें, कम से कम आधा घंटा आपने भिगाना है। ऐसे आपने भिगा के रख देना है। राइस भिगाने के बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है और पैन के अंदर आपने डालना है दूध। दूध लिया है मैंने 1 लीटर वजन करके। गैस चालू कर देना है और आराम से आपने इसको पकने देना है थोड़ी देर। जब आपका दूध ऐसे उबलने लगेगा, धीरे धीरे पकने लगेगा, जैसे कि अभी हमारा दूध पक रहा है, तब आपने क्या करना है, गैस कर देना है एकदम स्लो और जो चावल आपने भिगा के रखे थे उनका पानी निकाल के इसमें डालना है। कैसे आपको दिखाता हूं, ऐसे पानी निकालें या फिर किसी छन्नी से छान लें, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का आपने रखना है ध्यान। उसके बाद चावल ऐसे दूध में डाल दिए और ऐसे चलाया और आराम से पकने देना है। और चीनी आपने अभी नहीं डालना है, चीनी बाद में डालेंगे और इसमें क्या क्या डालेंगे आपको वो भी बताऊंगा चीनी डालने के बाद। ये देखिए अब दूध आधा हो चुका है, तो आपने ऐसे अच्छे से चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ। ये साइड है, ये देखिए ऐसे जो साइड में मलाई लगी ना दूध की, वो आपने ऐसे करके छुटा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो है जानने वाली बात, ऐसे चलाने के बाद आपने इसमें डालना है चीनी। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 150 ग्राम चीनी डालें, और मीठा कम पसंद है तो आपने 100 ग्राम चीनी डालना है। 100 ग्राम चीनी डालने के बाद ये देखिए ऐसे चलाना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है ये जादू सेफ्रोन। अगर आप बर्थ में सेफ्रोन नहीं खाते हैं तो ना डालें, अगर खाते हैं तो जरूर डालें, बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब आपने गैस कर देना एकदम स्लो और इसके लिए कुछ तैयारी कर लेना है। क्या तैयारी करना है आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपने लेना है इलायची, कम से कम 10, और इलायची के अंदर का आपने दाना निकाल लेना है, क्योंकि मैं इसमें ना तड़का मारने वाला हूं और तड़के में मैं डालने वाला हूं ये इलायची। तो जब आप खीर खाएंगे ना और आपके मुंह के अंदर, दांत के अंदर ये एक दाना आएगा ना इलायची का, तो आपको इतना मजा आएगा ना, मतलब ये अंत है टेस्ट का। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, 10 इलायची के ऐसे दाने निकाल लेने। ये इलायची ज्यादा है लेकिन मैं सिर्फ 10 के दाने निकालूंगा, निकाल के रख लें जैसे कि मैं निकाल रहा हूं। इलायची से दाने निकालने के बाद आपने लेना है बादाम 10 से 12, और इनको ये देखिए इस तरीके से 1 का 2 1 का 3 काट लेना है, जैसे कि मैं काट रहा हूं, बहुत ज्यादा बारीक ना करें, ऐसे काट लें। ये देखिए ऐसे बादाम या फिर काजू या फिर मैं जो ड्राई फ्रूट डालने वाला हूं वो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी डाल सकते हैं। बादाम काटने के बाद आपने काजू लेने सेम 10-12, और इनको ये देखिए ऐसे फाड़ लेना है, 1 का 2 कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूं ऐसे। अब ये देखिए कमाल, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से राइस गल चुके हैं, देख रहे ना। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, 2 मिनट या 3 मिनट ऐसे इसको लगातार चलाऊंगा ताकि राइस थोड़े घुट जाएं और भी, और इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। खीर है ना, लेकिन बहुत गाढ़ापन नहीं आए, क्यों, क्योंकि ठंडी होने के बाद खीर हल्की सी और गाढ़ी होगी, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, हल्की सी गाढ़ी करना है, जैसे अब ये ना इससे थोड़ी सी ज्यादा, तो ऐसे थोड़ी देर चलाएं आप। अब खीर में गाढ़ापन आ चुका है, और मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, इसका कलर उफ कितना बढ़िया हुआ है, देखा ना आपने, बहुत ही शानदार। ये सेफ्रोन का कमाल है, और
सैफरन की खुशबू तो आपको पता ही है कितनी अच्छी होती है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिए और ऐसे चला के इसको रख दूंगा साइड में। साइड में रखने के बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है और पैन के अंदर आपने डालना है देसी घी 1, 2, 3 टेबल स्पून। घी को गर्म होने दें। घी गर्म होने के बाद सबसे पहले आपने इसमें डालने इलायची के दाने और ऐसे चलाना है जैसे कि मैं चला रहा हूं। उसके बाद बादाम काजू दोनों चीजें डाल के हल्के से ऐसे चलाएं बड़े प्यार से और सिर्फ थोड़ी देर। उसके बाद भी हमने इसमें कुछ डालना है लेकिन कब डालेंगे, ऐसे हल्के से चलाने के बाद जैसे कि मैंने चलाया ना। अब किशमिश, किशमिश आपने बाद में ही डालना है। और जैसे मैं आज खीर बना रहा हूं ऐसे आपने एक बार जरूर बनानी है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपकी खीर कैसे बनी। व्रत में आप इससे अच्छे तरीके से खीर नहीं बना सकते। और ऐसे ही आपने धीमे फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालने तब आपकी खीर का टेस्ट डबल हो जाएगा और खुशबू जो आएगी ना वो तो मैं बता ही नहीं सकता, वो आपने मुझे बताना है कमेंट करके। ड्राई फ्रूट फ्राई करने के टाइम आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जले ना। जैसे किशमिश देख रहे ना आप फूल चुके हैं तो इसी टाइम पे आपने गैस बंद कर देना है, नहीं तो इनमें इतनी जल्दी कलर आएगा काले पड़ जाएंगे। बस ऐसे बंद कर दें जैसे कि मैंने गैस बंद की है और इस तरीके से रखिए। आपने डाल देना है खीर के अंदर। ये देखिए कैसे पक रहे। उसके बाद प्यार से ऐसे चलाना है। देखिए अब आपके सामने लाजवाब बेहतरीन खीर बनके तैयार है। अब आपने इसको सर्व करना है। देखिए खूबसूरत कितनी लग रही है और टेस्टी तो ना इससे भी डबल हो गई। जितनी अच्छी दिख रही है ना टेस्ट उससे कई ज्यादा गुना ज्यादा है इसमें। मतलब आपको आ जाना है मजा। ये देखिए ये खीर इतनी स्पेशल है कि आपको इसमें गार्निश करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आप देख के समझ गए होंगे ना ये अपने आप में गार्निश है। और मुझे जो लग रहा है ना कि व्रत में इससे अच्छी खीर बन नहीं सकती रेसिपी। अगर बन सकती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं बन सकती है या नहीं। बहुत ही मजेदार खीर है सच बता रहा हूं। मतलब जब आप बनाएंगे ना खाएंगे तब आपको ये चीज पता चलेगी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा काम पसंद आया है आपके दिल को टच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।